हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है लंच से। तो दोपहर के खाने में समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या पकाएं, क्योंकि रोज़ ही मसला होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने गरम ऑयल में चिकन मैंने डाल दी थी। चिकन ही पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो आज चिकन की कढ़ाई बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया चिकन की कढ़ाई नहीं बनाई। तो अदरक लहसुन कूट के मैंने रख दिया था, क्योंकि हमारी आदत है, हम कूट के रख देते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट बना के रख देते हैं। फिर आप मतलब आलू गोश्त बनाओ, गोभी गोश्त बनाओ, पालक गोश्त बनाओ, आप कुछ भी पकाओ, तो आपको इतनी आसानी होती है कि बस आपने एक चमचा या आधा चमचा डाला, जितना आपको मतलब आप डाल सकते हो आप अपनी कढ़ाई में या खानों में। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं इसको भून रही थी। भूनने के बाद मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए थे, अब वो मैं इसके अंदर डाल दिए। और थोड़ा सा मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया था चिकन में। आप ऑयल में ही थोड़ा सा नमक डाल दिया करो, इससे बहुत कढ़ाई अच्छी बनती है और इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। आप खाओगे तो आप खुद ही कहोगे कि बहुत अच्छी बनी। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत आसान लगती है ये वाली रेसिपी और अच्छी भी बनती है। अब मैं इसको 5 से 6 या 7 मिनट तक ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। क्योंकि इसलिए छोड़ दूँगी इसको, क्योंकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर अच्छी तरीके से गल जाते हैं ना, तो फिर कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। अब वो टमाटर जो मुंह में आते हैं तो फिर कढ़ाई का मज़ा नहीं देते, तो कढ़ाई भी नहीं अच्छी लगती। अब आप इतनी मेहनत भी करो और टमाटर गले हुए ना हो और टमाटर आपके मुँह में आ रहे हो, तो खाने वाले भी फिर कहेंगे कि मतलब अच्छी नहीं बनाई, दिल से नहीं बनाई। मेरी तो आदत है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर चीज़ बहुत दिल से बनाऊँ, बहुत मेहनत से बनाऊँ। और यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया था और मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया भी मैंने कट करके रख दिया था, लेकिन वो मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया था, सॉरी बट मोबाइल ऑफ हो गया था, तो बैटरी लो हो गई थी, तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने जल्दी से चार्जिंग किया मोबाइल को, फिर मैंने वहीं पे कढ़ाई को छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक चार्ज हो जाए, फिर मेरा 10% चार्ज हो गया था मोबाइल। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर मैश हो गए हैं अच्छी तरीके से। पर अभी मैं इसको भूनूँगी 10 से 15 मिनट, इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही, क्योंकि दही डालने से भी इतनी कढ़ाई अमेजिंग बनती है, इतनी स्वादिष्ट बनती है, आप कह लो कि फिर आप लगता है कि मतलब रेस्टोरेंट की खा रहे हो, मतलब घर की आप खा ही नहीं रहे हो। ये मतलब बहुत सिंपल सी कढ़ाई बना रही हूँ, ना इसमें लाल मिर्चें डलेंगी, ना इसमें पैकेट डलेगा और ना ही इसमें फालतू चीज़ें मैं ऐड करूँगी। बस इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्चें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी बस मैं हल्का सा मैं इसमें वो डाल दूँगी हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी से ये है कि थोड़ा सा आपका रंग आ जाएगा कढ़ाई में, वरना तो फिर रंग नहीं आएगा तो फिर कढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। वो भी मैं आज डाल रही हूँ इतना सा, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा कलर अच्छा हो गया। और यहाँ पे मैंने दही मंगा कर रखी थी, तो मैंने कहा चलो दही भी डाल दूँ। और वहाँ पर मैंने रायता बना के रेडी कर दिया था, क्योंकि आपको बताया था कि मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी थी, तो चार्जिंग नहीं थी, तो फिर परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप खाना बनाते हो तो आपको पता नहीं होता, आप जल्दी जल्दी बस खाना बना रहे होते हो और किचन भी इतना गंदा हो जाता है, किचन में इतने बर्तन हो जाते हैं। फिर खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद आपको टेंशन यही होती है कि पहले किचन को साफ़ करना है, डीप क्लीनिंग करनी है घर की अच्छी तरीके से, फिर आप कहते हो कि हाँ घर अब साफ़ सुथरा हुआ है। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरीके से मैं इसको भून रही हूँ, अच्छी तरीके से चिकन में जो स्मेल होती है अच्छी तरीके से निकल जाए। जितना आप भूनते हो, जितना आप अच्छी तरीके से बनाते हो, और ये थोड़ा सा बस मसाला, काली मिर्चें थी, थोड़ी गोल मिर्चें थी बस, और मैंने कुछ भी नहीं डालूंगी। बस इतना सा मसाला मैंने कूट के रखा है, वो भी मैं अभी नहीं डालूंगी, बिल्कुल एंड में इसको मसाले को मैं ऐड कर दूँगी, जो आप कढ़ाई बस आपकी रेडी हो और अब बस थोड़ा सा मसाला आप डाल दो, फिर इतनी कोई अमेजिंग कढ़ाई होती है ना बहुत। और रोटी तो आज पकानी नहीं थी, क्योंकि आज मेरे बाबा ने कहा कि नान ऑर्डर करेंगे, नान मंगाएंगे, क्योंकि हमने कहा कढ़ाई के साथ तो नान ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोटी आप खा लो तो फिर रोटी मज़ा नहीं देती। हाँ कभी कभी होता है कि रोटी भी बना लेते हैं जब कभी मूड नहीं होता, तो फिर नान ही अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा कोयले का स्मोक भी दूंगी, कोयला भी मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए दूसरे वाले गैस पर, इस वजह से क्योंकि कोयला के अगर जो आप दोगे ना स्मोक, तो आपकी कढ़ाई इतनी अच्छी बनती है, इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप कहते हो कि मतलब रेस्टोरेंट से खाया। हमारे घर वालों को तो ये बहुत कढ़ाई पसंद होती है, मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी कढ़ाई। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी देखिएगा कि इसी तरह ट्राई कर देखना, फिर आप मुझे कमेंट में बताना, बहुत अच्छी बनती है। और ये थोड़ा सा मैंने ढक्कन ले लिया था, तो ये मैंने
कोयले का ही बना लिया है। थोड़ा सा मैं ऑयल भी डाल दूँगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी 2 से 3 मिनट कि अच्छी तरीके से स्मोक हो जाए, खुशबू हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है। मेरे नान भी आ चुके थे और रायता भी मैंने बना लिया था। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।